भगवान कृष्ण ने कुब्जा को ठीक किया। जब दोनों भाई मथुरा पहुँचे तो अक्रूर महल में चला गया, जबकि भगवान कृष्ण और बलराम पैदल ही शहर में घूमे। वे एक माला विक्रेता से मिले, जिसने तुरंत जान लिया कि वे दिव्य हैं। उन्होंने फूलों से उनकी पूजा की और भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे चलकर भाइयों की मुलाकात कुब्जा नाम की एक युवती से हुई। वह सुंदर थी, हालांकि उसकी पीठ पर एक कुबड़ था। सके लंबे बाल और सुंदर आँखें कुबड़ से खराब हो गई थीं। वह चंदन का लेप ले जा रही थी। यह लेप किसके लिए है, भगवान कृष्ण ने पूछा। जब कुब्जा ने उसे बताया कि यह कंस के लिए है, तो उसने उसे इसके बजाय लेप के साथ बलराम और खुद का अभिषेक करने के लिए कहा। उसके ऐसा करने के बाद उसने उसकी पीठ से कुबड़ हटा दिया। कुब्जा अब बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसका कुबड़ हटा दिया गया था। उसने भगवान कृष्ण को खुशी खुशी धन्यवाद दिया और बलराम कंस के महल के लिए रवाना हुए।